Let us study how to write and balance a chemical reaction. A chemical reaction is a process that leads to the transformation of one set of chemical substances to another. एक chemical reaction दे विच एक atom दे विच जिहड़े उहदे molecules होंदे वो rearrange करदे आ एक दूसरे नूं, इस तरह नवे products बनते हैं जिसनों chemical reaction कहते हैं। एक कैमिकल रिएक्शन दे विच सानू दो चीज़ां दा पता चलता कि इहदे विच रिएक्टेंट्स कहड़े कहड़े प्रोडक्ट्स कहड़े कहड़े है ते कहड़े किस एटम दे किन्ने मॉलिक्यूल्स इस विच भाग लै रहे हैं। एक कैमिकल रिएक्शन नू उहदे चिन्हां दे आधार ते जिस तरीके नाल लिखा जांदा उस तरीके नू कैमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसे कैमिकल इक्वेशन नू रीड किवें करना है आ इक्वेशन विच देखो, वन एटम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू यील्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयरन क्लोराइड एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करना चाहिए, वाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? इहदा आंसर हैगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अनुसार जील्ड वाले साइन दे एक पासे जिन्ने रिएक्टेंट्स होन दूसरे पासे उन्ने ही एटम्स प्रोडक्ट्स दे होने चाहिए है, इसनों बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाउ टू राइट एन इक्वेशन? हाँ जी, केमिकल इक्वेशन नूं लिखण वास्ते सब तो पहला राइट डाउन स्केल्टन इक्वेशन, पहले असीं दी स्केल्टन इक्वेशन लिख लैनी, जिवें हैगा मीथेन बर्नस इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनू असी इस तरह लिखांगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन जील्ड टू तीर दा निशान पा के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हुण असी स्केल्टन इक्वेशन दे फॉर्मूलास लिख दांगे, जिवें सोडियम प्लस एच टू ओ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हुण असी केमिकल इक्वेशन नूं राइट करना शुरू करांगे, हमेशा रिएक्टेंट्स जिहड़े आ उहनां नूं लैफ्ट साइड ते लिखना ते प्रोडक्ट्स नूं राइट साइड ते लिखना। रिएक्टेंट्स दे नाल ते प्रोडक्ट्स दे नाल जिहड़े नंबरस लिखे होंदे उहनां नूं कोएफिशिएंट्स कहिंदे आ। इस तरह लिखना जिवें आ लिखा होया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जील्ड टू टू वाटर मॉलिक्यूल्स, इहदे विच जिहड़े तीर दे इस पासे ओह रिएक्टेंट्स तीर दे दूसरे पासे जिहड़े ओह प्रोडक्ट्स आ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रोडक्ट। जेकर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ते प्रोडक्ट्स जिहड़े आ इक्वल नहीं हुंदे तां उस रिएक्शन नूं असीं अनबैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन कहिंदे आ। बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन ओह हुंदी है जिदे विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। बैलेंस का मतलब हुंदा तकड़ी, जिवें तकड़ी दे दो शाबियां दे विच जे आपां इक्वल चीज़ रखिए तां उह सिद्धी खड़ी रहिंदी है। ऐसे तरह ही एक केमिकल इक्वेशन दे विच रिएक्टेंट वाली साइड दे जिहड़े एटम्स है वह हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड दे एटम्स दे इक्वल होने चाहिए है। इक्वेशन नूं बैलेंस करन लई सब तो पहला असी कुछ रूल्स सीख लईए। पहला रूल हैगा कि कोएफिशिएंट्स कैन ओनली बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फार्मूला, कोएफिशिएंट्स हमेशा फार्मूले दे सामने लिखे जाते हैं। कोएफिशिएंट्स हुंदे की है कि किसी भी मॉलिक्यूल दे अगे जिहड़े उहदे नंबर ऑफ एटम्स शो करदा ना वह कोएफिशिएंट्स हुंदे आ। इक्वेशन नूं बैलेंस करन लई असीं हमेशा कोएफिशिएंट्स नूं चेंज करदे आ, इस करके हमेशा असीं कोएफिशिएंट्स इनसर्ट करके ही इक्वेशन नूं बैलेंस करना आ। हुण दूसरा रूल हैगा नैवर चेंज सबस्क्रिप्ट्स। सबस्क्रिप्ट्स की हुंदियां आ? जिहड़े नंबर ऑफ एटम्स शो करता है कि इस विच किसी एलीमेंट के किन्ने नंबर ऑफ एटम्स है। जेकर साढ़े कोई फार्मूला हो जिमें ग्लूकोज का फार्मूला है, ये सी कार्बन के 12 एटम्स है, हाइड्रोजन के 22 है, ऑक्सीजन के 11, इस तरह सोडियम क्लोराइड के सोडियम का 1 तो कलोरीन दे 1, इन्हों सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। आओ एक उदाहरण लैके समझिए कि असी कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस किवें करना है। एक साढ़े को एक इक्वेशन हैगी है सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
जेकर असं देखिए तो इस लैफ्ट साइड के उपर हाइड्रोजन के एटम्स जड़े वो ज़्यादा है तो दूसरी साइड पर घट है, इस करके असी उन्हों टू लिख देवे इस साइड पर। हूँ साढ़े को हाइड्रोजन पूरे हो गए, बट सोडियम के उस साइड पर दो एटम्स हो गए, इस करके असी इस साइड के उपर लैफ्ट साइड पर दो सोडियम कोफिशंट्स लिख देवे। तो हूँ साड़ी इक्वेशन जी बैलेंस हो जाएगी। इस तरह जी इक्वेशन इनू बैलेंस करीदा। इक्वेशन बैलेंस करन तो पहला ना हेठा नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया करो, जिमें इधर लिखा ना कार्बन के फोर, इधर कार्बन के वन है। फिर इन्हों हिट एंड ट्रायल के मैथड के नाल असी इन्हों इक्वल करन की कोशिश करनी है। ये तो हो गया कि कोफिशंट्स नू इक्वल करके असी इक्वेशन बैलेंस कर लिया। इस तो इलावा जिहड़ी इक्वेशन है वह सानू यह भी शो करती है कि जिहड़े मॉलीक्यूल्स बने आ वह सॉलिड है, लिक्विड है, जां गैस है, जां फिर एक्वस है। तो असी इस तरीके दे नाल जिहड़ी इक्वेशन है उहदे विच असी यह भी शो करना है कि किहड़ा एटम लिक्विड है, किहड़ा सॉलिड है। ये तो असी एटम की फिजिकल कंडीशन बारे दसन लई। इस तो अगे हैगा कि जेकर किसी रिएक्शन दे विच हीट इवॉल्व होए तो उस रिएक्शन नूं असी किवें शो करना है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, इस तरह कैल्शियम प्लस कार्बोनेट प्लस हीट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जेकर हीट यूज होवे तो असी उन्हूं रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखना, तो जेकर हीट इवॉल्व होए तो असी उन्हूं प्रोडक्ट वाली साइड के उत्ते लिखना। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट जदों असी इनू हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता, तो असी ये उपर जिहड़ा यील्ड वाला तीर का निशान है वो उपर असी हीट एनर्जी नू प्रोड्यूस करती हुई एक छोटी ट्रायंगल में लिखना है। असी इस तरह ही कैटलिस्ट नू शो करन लई, कैटलिस्ट वो हुंदा जिहड़ा रिएक्शन नू तेज करता है। कैटलिस्ट नू शो करन लई असी एरो दे उपर कैटलिस्ट का नाम लिख देईदा। इस तरह ये रिएक्शन जिहड़ी वो शो करती है कि इस विच किहड़ा कैटलिस्ट यूज होया। असी हुण तक जिन्हें भी इक्वेशन नू बैलेंस करन दे रूल सीखे है, आओ उन्हां नू इन्हां इक्वेशन ते अप्लाई करके देखिए कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड है जां नहीं। इस दी प्रैक्टिस तुसी खुद करनी है। आ कुछ होर एग्जाम्पल्स है, इन्हां दे उपर ये रूल्स अप्लाई करके बैलेंस करिए। डू मोर प्रैक्टिस एंड बी हैप्पी। धन्यवाद।